Good morning student how are you all so student welcome in gk class so student today we will read lesson number 12 which is warriors and rulers it is on page number 19 so just open page number 19 so in this lesson here are some pictures and description of some great warriors and rulers who made history so you have to match the correct pictures with the करेक्ट आंसर यूजिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स सो आपको इस लेसन्स में कुछ ग्रेट वॉरियर्स और उनके जो रूलर्स हैं उसको मैच करना है जिनके आंसर हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं एंड ऑल्सो राइट ऑल क्वेश्चन एन आंसर इन योर कॉपी आपको पाँचों क्वेश्चन अपनी कॉपी में भी करना है ऑल राइट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेस स्टार्ट द लेसन नाउ पॉइंट नंबर वन इज He became the ruler at a very young age he became the ruler at a very young age of 13 he founded a new religion रिलीजन दीने Ilahi. यह जो थे वह सबसे कम उम्र में राजा बने जब वह सब तेरह साल के थे और इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था Ilahi। ओके। तो पिक्चर्स में आप पहचान सकते हो हु वॉज ही He was a yes, the right answer is Akbar. Akbar is a right answer. So just fill answer in your book. Akbar is the right answer. Now point number two is. She was the queen of the state of Jhansi. She was the queen of स्टेट ऑफ झांसी सी वॉज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रोनिज्म हुट द ब्रिटिश टू सेव एम्पायर तो यह जो थी वह झांसी की रानी थी जो कि देशभक्ति और वीरता की भावना से भरी हुई थी और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़ाई की और अपनी झांसी को उनके हाथों में नहीं आने दिया ओके okay, तो हु आप पिक्चर इसमें देख सकते हो हु राइट आंसर इज रानी लक्ष्मी बाई रानी लक्ष्मी बाई इज द राइट आंसर इन पॉइंट नंबर टू नंबर थर्ड इज ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर ही वॉज क्राउंड एज छत्रपति ऑफ द मराठा किंगडम इन सिक्सटीन सेवेंटी फोर यह जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे ओके okay. इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 1674 में तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो हु वॉज ही ही शिवाजी द राइट आंसर इज शिवाजी जसफेल आंसर इन पॉइंट नंबर थर्ड शिवाजी न पॉइंट नंबर फोर इज ही वॉज द इंडियन रूलर होम द ब्रिटिश फियर द मोस्ट ही इज पॉपुलरली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर यह वो भारतीय शासक थे जिनसे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे और इन्हें जाना जाता था टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से ओके सो ही वॉज द टीपू सुल्तान द राइट आंसर इज टीपू सुल्तान मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान यस जसवे आंसर इन पॉइंट नंबर फोर Now last point of this lesson is point number five is he was a great king of Maurya dynasty. He played a crucial role in making Buddhism a world religion. ये जो थे वह Maurya साम्राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करवाया। ओके तो कौन थे ये? Who was he? He was a द ग्रेट किंग अशोका अशोका द राइट आंसर इज अशोका ऑल राइट सो स्टूडेंट नाव हेयर योर लेसन नंबर ट्वेल्व हैज कंप्लीटेड ऑल फाइव क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल आप सभी ने अच्छे से इस लेसन को समझा है ऑल राइट सो नाओ राइट ऑल फाइव क्वेश्चन इन योर कॉपी आपको सारे फाइव क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करना है एंड ऑल्सो लर्न ऑल फाइव क्वेश्चन ओके सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड लेसन नंबर थर्टीन विच इज वॉटर ट्रांसपोर्ट ओके इट इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू पेज नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन वी हैव टू स्किप ओके सो योर पीज नंबर ट्वेंटी टू लेसन वॉटर ट्रांसपोर्ट नाव हेज़ बिकम द लैसन नंबर थर्टीन ओके सो स्टूडेंट टेन स्टे होम स्टे सेफ कीप स्टडी बाय